सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज डॉक्टर सुधीर गुप्ता को एक्सपोज किया गया, किस तरह से 22 अगस्त को जो सुधीर गुप्ता इस पूरे मामले को मर्डर बता रहे थे, उन्होंने अचानक से क्लियर कट सुसाइड कैसे कह दिया। एक टेप लीक हुई है जिसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता की असलियत सामने आई है, जिसके बाद से डिमांड होने लगी कि एम्स की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए और इस रिपोर्ट को री एग्जामिन के लिए ऑर्डर दिए जाए। स्वामी सुब्रमण्यम ने भी कहा कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट की है और अब हेल्थ मिनिस्ट्री के सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत की एम्स की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसको री एग्जामिन किया जाएगा। क्यों? जिसे पहले पूरी एम्स की टीम मर्डर कह रही थी, उस एम्स की टीम ने एक महीने में ऐसा क्या हुआ, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, क्यों इस डिसीजन में इतना बड़ा यू टर्न आया, इसका पता लगाया जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये सच्ची है या फिर किसी के दबाव में आकर बनाई गई है, इस मामले की जांच अब एम्स के ऊपर एक कमेटी बिठाएगी, हेल्थ मिनिस्ट्री इस कमेटी को बिठाएगी और वही कमेटी जो है वो अब एम्स की जो रिपोर्ट है उसको री एग्जामिन करेगी। सुधीर गुप्ता क्यों इतने पलटे, क्यों सुधीर गुप्ता ने इतनी चालाकी से पहले जो न्यूज है, जो सुशांत की रिपोर्ट है उसको सेलेक्टेड मीडिया को लीक किया और उसके बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, क्या है उन खबरों की सच्चाई जो ये कह रही थी कि एम्स की टीम में आपस में ही झगड़ा चल रहा है क्योंकि पहले मर्डर एंगल था और अब इन पर दबाव है कि मर्डर नहीं इसको सुसाइड ही बताया जाए, क्योंकि अगर वो इसको मर्डर बताएंगे तो फिर कूपर हॉस्पिटल और उसके 5 डॉक्टर्स का क्या होगा, उनके लाइसेंस खत्म हो जाएंगे, उनका जीवन खराब हो जाएगा। इस तरह की बातें, एक डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो इन सभी पॉलिटिक्स की क्या सच्चाई है उसका एग्जामिनेशन अब ये नई कमेटी करेगी। सोर्सेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी खबरें बताई है कि जल्द ही हेल्थ मिनिस्ट्री एम्स की रिपोर्ट के ऊपर एक कमेटी गठित करेगी और इस रिपोर्ट को री एग्जामिन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सुशांत सिंह राजपूत केस में। होप नहीं छोड़नी है, सच्चाई सामने आकर ही रहेगी।